हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। सुबह के 5 बज रहे हैं और मम्मी यानी मेरी ड्यूटी जो है वो लग चुकी है, क्योंकि अरम्या को आज मैं देने वाली हूँ मिक्स जो वेज बनता है, मतलब उस तरीके से तो नहीं लेकिन मिक्स सब्जियाँ, साथ में मैं उसको रोटी या फिर पराठे दूंगी। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना बढ़ते बच्चों की, क्योंकि इस उम्र में उनकी लंबाई बढ़ती है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। तो आप जैसे मैगी आपने महीने में एक बार दे दी, ब्रेड जैम कोई एकदम छोटा सा आपका बच्चा नहीं है कि आप उसको दे देंगी, इस उम्र में आपको रोटी सब्जी पराठे सब्जी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फ्रूट्स वगैरह देने ही पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर रखें। तो यहाँ पर कैसे मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ ये सारी चीज़ें आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, आलू, प्याज, गोभी, गाजर ये सारी चीज़ें ले ली हैं। इनको अच्छे से छील के काट के और तैयार कर लूँगी, ताकि 6 बजते बजते अरम्या जाती है तो मुझे ये रहता है कि 5:45 तक सारे अपने जो काम है उसको पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को काट लिया है, आलू को मैं यहाँ पे धो लूँगी और बाकी सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद किचन थोड़ा सा मैसी रहता ही रहता है, ये रोज़ रोज़ का है, क्योंकि एकदम सुबह उठ के तो सारी चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब्जी भी बना रही हूँ और साथ साथ में मैं आटा भी लगा लूँगी। तो सूखी सूखी सी सब्जी और उसके साथ में गरम गरम पराठे, तो आज मैंने लंच में अरम्या के लिए यही बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उसको निकाल के दे दूँगी, ताकि वो अब जैसे ब्रेकफास्ट कर ले, एक पराठे तो वो खा ही लेगी। उसके बाद अरम्या की दो ड्रेस लगती हैं, एक जो रेड और ब्लैक कलर वाली और एक ये वाइट कलर वाली। तो मैंने सोचा कि वो आज ब्लैक वाला पहन के गई है, कल वाइट वाला पहन के जाना है, तो मैं सुबह धो दूँगी ताकि दोपहर तक सूख जाए, प्रेस लगा दूँगी। और उसके बाद इसकी जो जूते हैं वो हर 2 दिन पे, जब से मतलब 2 दिन पहनी एक बार साफ़ किया, तो वाइट कलर के जूते हैं तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। ये वाली टेबल पर हमने कल रात को खाना खा लिया था और इस पर अरम्या जो है वो पढ़ाई करती है, तो एक मन में ऐसा रहता है ना कि चलो ये जूठा हो गया, तो हर 2-3 दिन पे अगर हमने खाना खाया तो मैं उसी दिन इसको धो देती हूँ, वरना ये मक्खियाँ वगैरह लगती है और ख़ुद में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो जो सर्फ का छोटी छोटी, जब तक कोलगेट हम तब तक यूज़ करते हैं जब तक उसको काट के उसके 2 टुकड़े ना कर दे, तो बस वो सर्फ के पैकेट में सर्फ लगा हुआ था तो मैंने उसी से साफ़ कर दिया। और ऐसी ऐसी बचत तो हम महिलाएँ करती ही करती हैं, अगर जिस दिन ना करें ना तो हमें अच्छा भी नहीं लगता। अभी मेरा जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, जो रोज़ सुबह सुबह मेरा होता है, हर रोज़ मैं मतलब जितना मुझे टाइम मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आधा घंटा ही करूँ, 10 मिनट, 5 मिनट, अगर टाइम मिलता है तो आधा घंटा,
जिससे क्या होता है कि हम अपने आप को फिट रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर मैं मेडिटेशन में कौन सा सॉन्ग सुनती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, सो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद बस बच गई है, एक मिनट आपको दिखाऊँ, किचन की क्लीनिंग। और किचन की क्लीनिंग के बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए। अपने बालों में बहुत सारा तेल लगाया हुआ है, और ये सरसों का शुद्ध जो घर पे बनवाया जाता है ना, वो तेल है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप सरसों के तेल से मसाज किया करें हफ्ते में एक बार, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे पहले बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। फिर बीच में मैंने स्ट्रेटनिंग करवा ली, मतलब उससे पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, जब मैं यूट्यूब पर आई थी स्ट्रेटनिंग करवा ली। अभी स्ट्रेटनिंग जब करवाते हो आप, तो उसका केयर बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और गांव में तो धूल मिट्टी या पूरा दिन आप खोल के नहीं रह सकते, स्ट्रेटनिंग में महीने भर तो आपको बालों को ओपन हेयर करके रखना ही पड़ता है। तो मैंने उस तरीके से अपना देखभाल कर ही नहीं पाई। और मेरा एक शौक, मेरे बचपन के कुछ ड्रीम्स में से ये था कि मेरे बाल एकदम स्ट्रेट हो, तो वो ड्रीम मैंने पूरा किया था। आज से 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए मैंने स्ट्रेटनिंग जब करवाई थी, तो मैं उस हिसाब से अपने बालों का रखरखाव नहीं कर पाई। तो सुंदर लगने की जगह मेरे बाल और ख़राब हो गए, बहुत झड़े, बहुत झड़े। तो अगर आप कभी भी स्ट्रेटनिंग करवा रहे हो तो ये बात का ध्यान रखिए कि अपने बालों का आप बहुत अच्छे से अगर ख्याल रख सकते हो, सारे गाइडलाइन जो वो बताते हैं वो फॉलो कर सकते हो तो ही करवाएं, वरना स्ट्रेटनिंग ना करवाएं, स्ट्रेटनर रख ले कभी। ये दी मक्खियाँ देखिए, कभी कभार आप खुद ही कर लिया करिए अगर आपका मन हो तो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया करूं अपने लाइफ में, मतलब क्या मैं वहीं पे हूँ, कुछ तो करूं, अच्छा करूं। कल मैं लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के पास, और दूसरों का दुख देख के फिर कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कल, बड़ा परेशानी सी मैं फील कर रही थी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने दुख से ही दुखी हों, दूसरों का भी दुख कभी कभी देखा नहीं जाता है। और अभी मेरी आंखें ठीक हो गई थी, अभी मेरी आंखों में फिर से वो थोड़ा सा लाल लाल साइड में होने लगा है। तो अभी मुझे एक मेकअप वीडियो शूट करनी है जो लहंगे के साथ होगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे रील बनानी है। तो मैं जा रही हूँ, अब नहाऊंगी सीधे, जब पूजा पाठ देखती हूँ मैं फर्स्ट, मतलब क्या करूँ, अभी ब्लॉगिंग करूँगी अभी नहीं करूँगी, या फिर मैं मेकअप वीडियो शूट करके उसको शूट करूँ, मैं तो क्या करूँ अभी, मेरे कन्फ्यूज़न में हूँ। और इंग्लिश के कुछ शब्द मेरे गलत हो जाते हैं, कभी कभार होता है, तो अंग्रेजी ही तो है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलती है, उसमें क्या दिक्कत है, हिंदी तो अच्छी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की अंग्रेजी बोलने से ही किसी के व्यक्तित्व का पहचान नहीं होता है, उसकी सच्चाई से उसके व्यक्तित्व का पहचान होता है ना। तो बस ये रही मेरी कुछ बातें, कुछ मेरे काम धाम जो मैंने निपटाए, और मुझे मन तो यही करता है कि मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँ किसी दिन, क्योंकि मैं आज तक मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आई हूँ। रीज़न मुझे भी नहीं पता है कि क्या रीज़न है कि मैं क्यों नहीं आई हूँ, बट मैं सोच रही हूँ आऊँ। और जैसे आप लोग मेरे बोलते हैं व्यूवर्स कि आप मेरा नाम ले लो वीडियो में, सो मैं क्या होता है ना, मैं एक लोग का नाम ले लिया, दो लोग का, उससे दो लोग तो खुश हो गए, पता चलेगा मेरे 10 व्यूवर्स नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे लिए जो ये मेरे बस जाओ, जो ये मेरे 2,33,000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे मेरे लिए इक्वल हैं। और जो नहीं किए हैं, जैसे क्या होता है कई बार हम देख रहे हैं वीडियो और करते ही नहीं, वो भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही बराबर हैं। तो कोई तो दो लोगों को खुश करके 4 लोगों को नाराज़ कर दिया, इसलिए मैं नहीं लेती। बाकी सब लोग, आप लोग मेरे लिए बहुत अनमोल हो, बहुत अनमोल, जो मेहनत कर कर के पहुँचता है ना। अब जैसे कोई किसी के सपोर्ट से पहुँच गया, कोई चीज़ पा लेता है तो वो उसकी कदर नहीं समझेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ। अब मुझे कोई ड्रेस लेनी है और मेरे को एवे मिल गई, तो मिलती जा रही है तो उसकी कदर नहीं है। और अगर मैंने मेहनत से कोई चीज़ ये ड्रेस कमाई है तो मैं इसकी कदर करूँगी। तो ये होता है, इसलिए मैंने बहुत दिन के दिन और रात के रात मेहनत किया है। बाप रे, मैं अपने दिन अभी भी, ये नहीं है कि वो मेहनत आज कम हो चुकी है, अभी मेहनत और जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, और आप लोग से थोड़ा सा बात कर लिया और गलियारे में थोड़ी देर के लिए बैठ गई।
अच्छा लगता है, यहाँ पे आप सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, इंस्टा पे एक दो रील पोस्ट करूँगी और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।